इन्हें दंड दीजिए स्वामी। माँ, कैलाश पे प्रवेश करने से रोके जाने पर परशुराम जी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उन्होंने क्रोध में आकर अपना पशु चला दिया। यदि मैं चाहता तो इनकी प्रहार को रोक भी देता, किंतु ऐसा करने से पिताजी का शस्त्र पशु का अपमान होता। इसीलिए मैंने उसे अपने इज्जत पर रह लिया। पिताजी के पशु का मान बना रहे। आप चिंता मत करिए माता, परशुराम जी तो स्वयं नारायण के अवतार हैं। उन्होंने मेरे एक दंत को तोड़कर मेरी संपूर्णता को अपूर्णता में परिवर्तित कर दिया। अपूर्णता अर्थात जिज्ञासा, कर्म करने की प्रेरणा। साथ ही आज परशुराम जी ने मुझे मेरी सहनशीलता का परिचय भी करा दिया। उन्होंने मुझे क्षति नहीं पहुंचाई, उन्होंने तो मेरा उद्धार ही किया है। ऋषि होकर भी मैं इस ज्ञान और सहन शक्ति का एक अंश भी नहीं पा सका जो इस बालक में है। मुझे लगा इसने छूकर मुझे अपवित्र कर दिया, परंतु इसके स्पर्श ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरी अज्ञानता से, मेरे क्रोध से मुझे दुख है। मैंने गणेश जी पर प्रहार किया। पार्वती परशुराम ने नारायण के अवतार में गणेश का एक दांत तोड़कर यह संदेश दिया कि बुद्धि सदैव श्रद्धा से कम होनी चाहिए। जीवन में कल्याण बनाए रखने हेतु ही अनिवार्य है। गणेश, मैं आपसे पुनः क्षमा मांगना चाहता हूं। क्षतिपूर्ति तो मैं कर नहीं सकता, परंतु मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। आपके इस टूटे हुए दंत से भविष्य में एक महान ग्रंथ की रचना की जाएगी। उस ग्रंथ से संसार को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो संसार का अनंत काल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। उस ग्रंथ की विशेषता ये भी होगी कि उसे लय और सुरबद्ध करना संभव होगा। मुझे आपका आशीर्वाद स्वीकार है।
और उस महान ग्रंथ का नाम है महाभारत। हाँ, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और उसको लिखा था गणेश जी ने अपने इसी टूटे हुए दांत से। महर्षि वेदव्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए, और ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ को लिखने में महर्षि वेदव्यास को 3 साल लगे थे। और भगवान परशुराम ने कहा था कि ये ग्रंथ अनंत काल तक संसार का मार्गदर्शन करता रहेगा, और ये ग्रंथ पहले भी लोगों का संसार का मार्गदर्शन करता था, आज भी करता है और भविष्य में भी करता रहेगा, इसीलिए ये महान ग्रंथ है। महाभारत में ही श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है, जिसमें सब कुछ है, सारे संसार का ज्ञान है, जिसमें जीवन का ज्ञान है, मृत्यु का ज्ञान है, समर्पण का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर के प्रति समर्पण का ज्ञान है, जिसमें पूरे संसार का ज्ञान है, इसीलिए इस ग्रंथ को महान कहा गया है और इसीलिए इसको महाभारत कहा जाता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।